मालूम होगा कि नाउन होता क्या है। मैं सिंपली इसके डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो होता है वो एक वर्ड होता है जो किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है या किसी चीज का नाम हो सकता है। फाइन, इसके आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन आम नाम को बोलते हैं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, पेंसिल, पेन वगैरह। ठीक है, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाम, आपका नाम, मेरा नाम, किसी जगह का नाम हो सकता है। ठीक है, ठीक है, कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद, ठीक है, और जो है कंट्रीज़ का नाम हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब ये भी बात जो है वो अच्छे तरह से समझ लें कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं और कुछ नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। फाइन, यानी काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब जिनको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब अनकाउंटेबल नाउन्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप गिन नहीं सकते। आपने अपने घरों में शुगर तो जरूर देखी होगी और यूज भी करते होंगे। आपने देखा होगा कि शुगर के दाने होते हैं छोटे छोटे, जिनको आप बैठ के गिन नहीं सकते, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है उनको गिनना। ठीक है, तो आप उसको अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में डालेंगे। फाइन, इसी तरह वाटर होता है, पानी होता है, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। वाटर को भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स की जो है वो कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन मेरी बात यहां तक कंप्लीट नहीं हुई गाइस। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन हम उनको अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे मनी, हम काउंट तो कर सकते हैं बट मनी को हम अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में डालते हैं। इसकी वजह ये है कि मनी की प्लुरल फॉर्म नहीं होती, हम मनी को मनीस नहीं कहते। मैं इस हवाले से जो है वो मैनी और मच पर बहुत ही तफसील से वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वो वीडियो जो है वो जाकर देख लें, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगी। Guys, there are certain nouns like sheep, scenery, advice, etc. that don't have plurals. कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनके singular और plural जो होती है वो same होती है। मतलब जब आप एक से ज्यादा की बात करते हैं तो उनके plural जो है वो same होती है। मैं कुछ nouns जो है आपके साथ जो है वो share करूंगी, through sentences आपको जो है वो समझाने की कोशिश करूंगी। और मैं सबसे पहले जो है वो wrong sentences आपके साथ share करूंगी जो बहुत से लोग जो है वो गलत यूज करते हैं, और साथ साथ उनकी करेक्शन भी करके बताऊंगी। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक मस्त देखना है और कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप नहीं करना। चलें डिस्कस कर लेते हैं आज के जो है वो सेंटेंसेस। फर्स्ट एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ऑल हिज शीप्स आर ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। यहां पर मैंने वर्ड लिखा शीप्स का। ठीक है, बहुत से लोग जो हैं ये गलती कर देते हैं, शीप की प्लुरल जो है वो शीप्स लिख देते हैं। अगर आपने एक शीप की बात करनी है तो आपने कहना है वन शीप, दो की बात करनी है तो टू शीप, शीप्स नहीं कहना। अगर थ्री की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, थ्री शीप। फाइन, अगर आप ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आप अ फ्लॉक ऑफ का यूज कर सकते हैं या अ हर्ड ऑफ यूज कर सकते हैं, बोथ आर फाइन। लेकिन ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ज्यादा कॉमनली जो यूज किया जाता है वो अ फ्लॉक ऑफ किया जाता है। फाइन, अब इसको हम करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, All his sheep, आगे मैंने verb जो है वो are लगाया। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर बात कर रही हूं ज्यादा sheep की। ठीक है, All his sheep are of a very good quality. Fine. Second example है, He showed me the sceneries of the country. यहां पर मैंने word use किया sceneries का। मैं ज्यादा की बात कर रही हूं तो अगर हम प्लुरल का यूज करना चाहेंगे तो हम सीनरी ही लिखेंगे, हम आई एस एडिशन वाई हटाकर नहीं करेंगे, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे हम, ही शोड मी द सीनरी ऑफ द कंट्री, एस सी ई एन ई आर वाई। फाइन, थर्ड एग्जाम्पल है, समीना गेव मी यूजफुल एडवाइसेस। ठीक है, जब आप एक से ज्यादा एडवाइस की बात करते हैं, नसीहतों की बात करते हैं, तो
उसको हम ग्रामेटिकली जो है वो एडवाइसेस करेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे समीना गेव मी यूजफुल एडवाइस, ठीक है। एक की बात करें या ज्यादा की बात करें तो एडवाइस वर्ड यूज किया जाता है। आप यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे यूज नहीं करना चाहते सेंटेंस में तो आप लिख सकते हैं समीना गेव मी सम यूजफुल एडवाइस, या आप कह सकते हैं सम पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनी स्टूडेंट्स केम हियर। यहाँ पर मैंने जो है वो स्टूडेंट्स लगा दिए, एस लगा दिया, साथ में मैं मैनी का यूज भी कर रही हूँ। ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। आप इसको इस तरह से करेक्ट लिख सकते हैं मैनी अ स्टूडेंट केम हियर, फाइन। हम एस स्टूडेंट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि हम मैनी ऑलरेडी स्टार्ट में यूज कर सकते हैं जिसका मतलब ही ज्यादा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी डिड मैनी वर्क्स। मैं मैनी और मस्ट पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं लेक्चर के स्टार्ट में बता चुकी थी आपको। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज सबसे पहले वो वीडियो देखें ताकि अच्छी तरह से आपको जो है वो मैनी और मस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फाइन। यहाँ पर मैंने लिखा वी डिड मैनी वर्क्स, यहाँ पर मैंने वर्क के साथ एस लगाया जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। वर्क अगर आप कहना चाहते हैं ज्यादा काम की बात करते हैं तो आपने वर्क ही यूज करना है, ठीक है। वर्क की प्लुरल नहीं होती, वर्क वर्क ही होता है, ठीक है। और मच यहाँ हम लगाएंगे वी डिड मच वर्क, क्योंकि हम मैनी वहां यूज करते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। हम वर्क को गिन नहीं सकते तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मच। हम कैसे इसको ठीक करेंगे, वी डिड मच वर्क। या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप कह सकते हैं वी डिड लॉट्स ऑफ वर्क, या आप कह सकते हैं वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट दे कीप कैटल्स, ठीक है। वो जो है वो कैटल्स रखते हैं, वो मतलब ज्यादा की बात कर रही हूँ, ठीक है, यानी ज्यादा लोगों की बात कर रही हूँ, यानी वो कैटल्स जो है वो रखते हैं। तो कैटल्स जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। कैटल्स जो है आप नहीं बोल सकते ना लिख सकते हैं। आपने अगर ज्यादा मवेशियों की बात करनी हो तो आप कहेंगे दे कीप कैटल, ठीक है। नेक्स्ट दीज न्यूज आर वेरी एनकरेजिंग, ठीक है। दीज न्यूज ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। न्यूज न्यूज ही होता है, ठीक है, प्लुरल में ही लिखा जाता है। एक न्यूज हो ज्यादा हो तो न्यूज वर्ड ही लिखा जाता है, और साथ में वर्ब हमेशा न्यूज के साथ सिंगुलर लगाया जाता है। दीज न्यूज आप नहीं कहेंगे, दिस न्यूज इज वेरी इनकरेजिंग, फाइन। एट्थ एग्जाम्पल है द बार्बर रिमूव्ड ऑल हिज हेयर्स, ठीक है। मैंने यहां पर वर्ड यूज किया हेयर्स का, हेयर हेयर्स नहीं होता, हेयर की प्लुरल यानी जमा हेयर ही होती है, लेकिन वर्ड हेयर्स पे लिखा जाता है। वो किस सूरत पे लिखा जाता है, जब आप जो है वो चंद बालों की बात करें हूं, जैसे कि आप कहना चाहते हो मेरे सर में 5 बाल जो है वो सफेद आ गए हैं, तब उस सूरत में आप 5 बालों के लिए जो है वो 5 जो है वाइट हेयर्स बोल सकते हैं, ठीक है। मैं हेयर और हेयर्स पर भी तफसील से वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, फाइन। इसको ग्रामेटिकली हम करेक्ट कैसे लिखेंगे, द बार्बर रिमूव्ड ऑल हिज हेयर, फाइन। लास्ट एग्जाम्पल इज मैनी पीपल्स केम टू सी यू। यहाँ पर मैंने वर्ड जो है वो मैनी के साथ पीपल्स लगा दिया। पीपल वर्ड ऑलरेडी प्लुरल होता है, पीपल की जो सिंगुलर होती है वो पर्सन होती है, पर्सन की प्लुरल हो गई पीपल, ठीक है। मैनी के साथ मैंने पीपल्स जो है वो नहीं लगाना, ठीक है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। इसको हम करेक्ट करके ऐसे लिख सकते हैं मैनी पीपल केम टू सी यू। अब वर्ड पीपल्स जो है वो लगा सकते हैं, किस सिचुएशन में लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहना हो द पीपल्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, उस सेंस में जब आपने नेशन का हवाला देना हो, बताना हो, तो आप उस सिचुएशन में पीपल्स वर्ड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। जो पीपल होता है वैसे ऑलरेडी प्लुरल है, प्लुरल की कैटेगरी में आता है, लेकिन आप वर्ड जो है वो पीपल्स यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको सिचुएशन जो है वो बता दी। आई थिंक आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एंड में आपका थैंक यू कहूंगी कि आपने मेरी वीडियो के लिए टाइम निकाला।